एटम क्या है? इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी धातु में सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? तो धातु मतलब एलिमेंट, धातु मतलब एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में जो छोटा यूनिट होता है उसको कहते हैं हम लोग एटम। मान लो ये एटम है हाइड्रोजन का। सर तो अगर किसी चीज में वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी एटम से ही बने हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वो एटम से छोटे हैं ना बेटा। सर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सर तो ये एटम तो आपने पर लिखा है कि स्मॉलेस्ट, तो मुझे लगा ये। रुको रुको, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी, हम लोग आगे आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी देख रहे हैं कि एटम स्मॉलेस्ट है ना। जैसे हम लोग कहेंगे ना कि स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी इज दैट, बट वो लिविंग एंटिटी के अंदर भी और सारे पार्ट्स होते हैं ना उसका। वो लिविंग एंटिटी का हार्ट रहता है। बोलो, मैं यदि बोलूँ कि बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, ओके मान लो, तो उसके अंदर भी कुछ कुछ रहेगा ना, अंदर भी कुछ रहेगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो मान लो ये हो गया हाइड्रोजन का आइटम, किसका आइटम है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइटम सर, हीलियम, ओके। और ये है आपका ऑक्सीजन का आइटम। तो दो अलग अलग एटम साथ में आते हैं, ओके, क्या बनाने के लिए? ये बनाएंगे सर, तो ये सच में ये ऐसे दिखते हैं एटम, मतलब उनका रिंग जो होता है उसमें, ये सच में ऐसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं, यानी कि एक मैंने सुडो डायग्राम ड्रॉ किया है। मान लो ये न्यूक्लियस है। सर तो सच में ऐसे नहीं है सर, सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है। हाँ, मैंने ऐसे ही इसको जस्ट पकड़ने के लिए। सर तो आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं ड्रॉ किया ना? हाँ, मैं जस्ट सुडो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं कहूंगा कि ये मनोमय है ना, मान लो कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो ये मनोमय है, ठीक है। ठीक है, तो ये मनोमय की तरह दिखता है क्या? नहीं सर, मतलब सर मेरे मतलब मेरा मुंह और सब कुछ है तो आपने वो ड्रॉ किया, तो मैं पूछ रहा था कि इसमें आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाए हैं। ठीक है भाई, मेरे गलती हो गया मुझसे, ये हाइड्रोजन है। सर सर नहीं सर सॉरी सर, मैं सिर्फ पूछ रहा था है या नहीं, मुझे कंफ्यूज है ना। मैं जस्ट अभी ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, देखो मैं उसका बॉडी देख रहा हूँ, उसके अंदर क्या है वो देखा क्या मैंने? तुम्हारे जैसे बॉडी हो गया ना, तुम्हारा बॉडी ड्रॉ किया, करेक्ट, लेकिन अंदर के सेल्स वगैरह दिखा रहा हूँ क्या मैं इसमें? नहीं ना। अच्छा सर, तो वही एटम पकड़ लो। एटम कैसे दिखता है? एटम एक स्पीयर की तरह दिखता है ना, तो पकड़ लो ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, पकड़ लो इसको। सर वाटर में तो दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल 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 बेटा, तुम सही बात पकड़ी तुमने, ओके। तो ये हाइड्रोजन का एटम और ये ऑक्सीजन का एटम साथ में मिलके क्या बनाते हैं, है ना? वाटर, H2। वाटर, वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है, ओके, समझ में आई मेरी बात? तो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विथ वन अनदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस कॉल्ड कंपाउंड्स, ना एक नया सब्सटेंस क्या बन गया? ये आपका कंपाउंड बन गया, है कि नहीं? फिर एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे अलग अलग एटम साथ में आते हैं,
और ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसमें क्या है ना, इसमें देर इज नो चार्ज इन सच कंपाउंड। ओके वो क्या और है, चार्ज नहीं सर, मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। या करेक्ट, दे आर न्यूट्रल, इसीलिए वाटर को सर न्यूट्रल कहते हैं क्या? या करेक्ट, दैट्स व्हाई वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। यस सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स है क्या? करेक्ट, यस सर। तो अभी सर तो एसिड का चार्ज होता है तो न्यूट्रल नहीं है, जिस पे भी चार्ज होगा वो न्यूट्रल नहीं होगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सर। आप कंपाउंड का डेफिनेशन एक और बार रिपीट कर सकते हैं प्लीज? कंपाउंड का डेफिनेशन, कंपाउंड इज वही दैट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स। Atoms of different elements combine with one another to form new substance called compounds. अभी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको एक चैप्टर में किया है जिसका नाम सर वो। ओके, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके यहां तक कुछ डाउट किसी को? एनी डाउट? सर स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो गया। नहीं सर। ऐसा क्या? रुको एक मिनट। सर इतना ब्लर नहीं हुआ लेकिन दिख रहा है। ओके ओके ठीक है। Let me tell you about this amazing. हमें से बहुत से लोगों ने तो I wanted to show some video but okay ठीक है, no problem. So you know that the father of atomic theory, many people will say that it was John Dalton, correct? Right? Yes sir. But actually it was far much ahead, you know. There was Devarishi Kanand in India. Have you heard the name? No sir. Kanad. So he had actually long back told about this theory. So he's the real father. Okay. Actually, almost many of the scientific theories, real father are present in India only. But hardly none of them took patents. You know, patents, such concept was not there previously. Correct. So all these foreign people, afterwards they came in and they just started giving their own patent and all those things like that, which had no sense because many of the concepts they had copied from India, or either they copied or they were later discovered, which were already present in India. Correct. So like that. Sir, आपने क्या कहा? देवर्षि कानन, father of क्या? Atomic theory. Okay.
यस ओके सो दिस एटम कॉन्सेप्ट वाज नोन टू इंडिया 5000 इयर्स बिफोर दी करेक्ट इन इंडिया दिस एटॉमिक थ्योरी वाज नोन लॉन्ग लॉन्ग बैक इवन 5000 इयर्स बिफोर वी आर नोइंग अबाउट दिस थ्योरी Know this fact. And even in our Vedic literature, one verse comes, which also tells about the atom. You know, it is as follows. Correct. Right? Ekopyaso rasitum jagadanda kotim yachakti rasti jagadanda chayadanta andandarasta paramanu sayantarastam. So here also the mention of Paramanu word is there, correct? Which is composed many, many years, 5000 years before, right? And then later on, these people came up with their own theories, correct? Like John Dalton came and then Antoine Levasseur, correct? Such people came, right? Sir, they just copied the theories or what? Kind of. Some they copied and some they invented themselves, but in such a way that we were already knowing them before. We already had the idea of what it is. Like that. Okay. So now we know that we have some laws, correct? कि ये तो अपने पास atoms हैं, ना वो और वो atoms अलग-अलग तरीके से combine कर सकते हैं, correct? We have so many atoms, and these atoms can in turn combine in so many ways, okay? लेकिन इन सब को combine करने के लिए कुछ laws होते हैं अपने पास, ना? And they are called as what? They are called as the Laws of chemical combination. They are called as laws of chemical combination. Okay. और उसमें सबसे पहला law हम लोग देखने जा रहे हैं. सबसे पहला लॉ है जिसका नाम है और केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है मतलब केमिकली कैसे वो कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस एटम कंबाइन कर एटम्स एग्जैक्टली एटम्स कंबाइन ओके इट इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन ठीक है And first, we are discussing about this, you know, law of conservation of mass. Okay. Law of conservation of what? Can you reply? Law of conservation of What? Law of conservation of mass. Okay. तो ये जो law of conservation दिया गया था बच्चों, you know, it was given to us by scientist called as Antoine. You know, Lavoisier. Correct. अरे इसका पहले का लिख लिया था सबने लॉज ऑफ अपने जो लॉज लिखा था वो नहीं लिखा सर मैंने इतना ही लिखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
सर मैंने तो सब कुछ नोट डाउन कर लिया। सबसे पहले मैं बता रही थी क्या था अपने पास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्या था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके नाउ सर अभी मीटिंग के लिए एक ओके सॉरी आई गेस सम कनेक्टिविटी इशू वाज देयर। सर सर क्या आप एंड करके फिर से स्टार्ट कर सके, एक मिनट से कम है तो। हाँ करेक्ट करेक्ट ओके व्हाट विल डू I will end the meeting from here. All of you again join, ठीक है? फिर से join करो।